दोस्तों इंडिया न्यूजीलैंड की टीम के बीच पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। तो ऐसे में ही दोस्तों जानते हैं कि इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी और दोस्तों जानेंगे इस मैच में भारतीय टीम के किन खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है और कौन से खिलाड़ी चोट होने की वजह से टीम से बाहर हुए हैं। और दोस्तों जानेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से भी कौन से बड़े खिलाड़ी इस दौरे पर खेलने नहीं आए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों पहले बात करें भारतीय टीम की तरफ से इस दौरे पर केएल राहुल और अक्षर पटेल को इस दौरे के लिए आराम दिया गया है। तो जहां केएल राहुल की तो शादी है तो वहीं अक्षर पटेल को इस दौरे के लिए आराम दिया गया है। लेकिन मैच से एक दिन पहले यानी 17 तारीख को ऐसी खबर आई कि श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए हैं और उनको इस दौरे से हटा दिया गया है और उनकी जगह रजत पाटीदार को टीम में शामिल किया गया है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इस दौरे पर न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान केन विलियमसन टीम का हिस्सा नहीं है और ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में टॉम लैथम को न्यूजीलैंड का कप्तान बनाया गया है और वनडे मैचों में टॉम लैथम ही न्यूजीलैंड की कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहां दोस्तों एक तरफ भारतीय टीम ने अपने साल की शुरुआत श्रीलंका को हराकर करी थी तो जहां भारतीय टीम ने श्रीलंका को वनडे और टी20 सीरीज दोनों ही सीरीजों में मात दी थी तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने भी पाकिस्तान की टीम को अपने साल की शुरुआत में ही वनडे मैचों में हरा कर आ रही है। तो वहीं टेस्ट मैच इनका ड्रॉ रहा था और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की टीम है। तो वहीं इन दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों ही टीमों के बीच वनडे इतिहास में अब तक 100 मुकाबले खेले गए हैं और 55 बार भारतीय टीम ने जीत हासिल करी है। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी 50 मैच जीती है तो वहीं 8 मैच ड्रॉ रहे थे। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम का पलड़ा हल्का बहुत भारी है लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम अभी वर्ल्ड रैंकिंग में वनडे की नंबर 1 टीम है और न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से बड़े मुकाबलों में भारतीय टीम के ऊपर भारी पड़ती दिखाई देती है। और ऐसे में आज इन दोनों ही टीमों के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा और दोस्तों ये मैच दोपहर में 2 बजे शुरू होगा। तो वहीं ये मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। तो वहीं दोस्तों अब बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 इस मैच में कैसी होगी तो हम आपको बता दें इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल नजर आएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। तो वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और मोहम्मद शमी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे। जहां दोस्तों इस प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव की जगह रजत पाटीदार या केएस भारत को भी खिलाया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम पहला वनडे मैच जीते तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें। वहीं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरह की क्रिकेट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।